हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने खड़ी है मारुति सुजुकी की वैगनार और ये गाड़ी आपको 6.5 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ जाती है। अगर जो आपको एक 5 सीटर फैमिली कार चाहिए तो आप इस वैगनार की तरफ जा सकते हैं। और ये जो वैगनार कार है दोस्तों, पिछले ही महीने 15,500 यूनिट सेल हुई है पूरे इंडिया में। अगर जो आप मारुति की गाड़ियों की बात करते हैं तो सबसे टॉप पे यही गाड़ी आती है। तो आज हम जानेंगे जिस हिसाब से आप 6.5 लाख रुपया इस वैगनार को देते हैं, उस पैसे के हिसाब से आपको फीचर्स मिलता है कि नहीं मिलता है, सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। 4 वेरिएंट के साथ मार्केट में आती है, LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस। 2 वेरिएंट में आपको CNG का ऑप्शन मिल जाएगा, LXi और VXi। ये है इसका VXi मॉडल पेट्रोल में, 6.5 लाख रुपया इसकी ऑन रोड कीमत है। तो आइए हम बात करते हैं 6.5 लाख रुपए में क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए गए हैं। सबसे पहले की बात करेंगे तो ऐसे कुछ आपको की मिल जाते हैं जिसमें आपको 2 बटन्स मिल जाते हैं। सेंट्रल लॉकिंग के साथ साथ आप यहीं से गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। फ्रंट से अगर जो आप गाड़ी को देखते हैं तो भाई काफी बेहतरीन लुक के साथ अब ये मार्केट में आती है। और यहां देखेंगे तो यहां पे आपको वही हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाएगा जिसे आप लो बीम और हाई बीम यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहां पे दी गई है। VXi मॉडल है तो उस हिसाब से आपको फॉग लैंप नहीं मिलेगा। रेडिएटर ग्रिल आपको मर्सिडीज देखने को मिल जाएगा। ऊपर वाले ग्रिल की बात करेंगे तो क्रोम फिनिश के साथ साथ बीच में आपको सुजुकी का लोगो ऑफर किया गया है, ट्विन हुक यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। ओवरऑल फ्रंट से गाड़ी ऐसी नजर आती है। फ्रंट से देखेंगे तो काफी बॉक्सी सा डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है और ऐसी कुछ ओवरऑल नजर आती है साइड से। टायर साइज की बात करेंगे तो आपको MRF के टायर आते हैं, ट्यूबलेस टायर आता है। साइज की बात करेंगे तो 165/70R 14 इंच के, 14 इंच के आपको स्टील रिम मिल जाते हैं। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा और काफी स्टाइलिश आप देखेंगे तो व्हील कैप ऑफर किए गए हैं। भाई जिस हिसाब से सेकेंड बेस मॉडल है उस हिसाब से यहाँ देखेंगे तो फेंडर पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बॉडी कलर आपको ओआरएस मिल जाता है जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। नॉर्मल एंट्री ना आपको मिल जाएगा। ये कि एसेसरीज के तौर पर आप इसमें रेन वाइजर लगा सकते हैं और ऐसे कुछ लुक निकल के आते हैं इसके रियर से। यहाँ देखेंगे तो बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। वैगनार लिखा गया है क्रोम फिनिश के साथ। 2 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाता है और इन पार्किंग सेंसर का यह काम होता है कि जैसे मान लीजिए 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो गाड़ी आपको 2-2 करके बताती रहेगी कि गाड़ी जो है वो टच होने वाली है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रैक्टिकल लाइफ में इस पार्किंग सेंसर का काफी अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। और ये रहा इसका काफी बड़ा सा टेल लैंप जिसमें आप देखेंगे तो ब्रेक वाली यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप यहाँ पे ऑफर किए गए हैं और 32 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर की गई है। तो ऐसा कुछ है ओवरऑल इसका रियर प्रोफाइल। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं इसके इंटीरियर प्रोफाइल में, दिखाते हैं इसके इंटीरियर प्रोफाइल में क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए गए हैं। तो आप यहीं से गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। सबसे पहले यहां देखेंगे तो पूरा फुल तरीके से ब्लैक कलर का यूज किया गया है जिसमें आपको 4 पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाते हैं। और ये जो ड्राइवर साइड मिरर, इसे आप 1 टच डाउन कर सकते हैं, आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहीं से आप 4 मिरर को लॉक कर सकते हैं। पावर डोर लॉक के साथ साथ ORM की एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है। सिल्वर सन के साथ डोर ओपनर, बोटर होल्डर, स्पीकर, सारी चीजें ऑफर की गई है। सीट की बात करेंगे तो फैब्रिक का सीट आता है। कुशनिंग वगैरह सीट का काफी अच्छा है, कंफर्ट वगैरह भी काफी अच्छा है। यहाँ देखेंगे तो यहीं से आप फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं। ABC एक्सीलेटर ब्रेक क्लच के साथ साथ आपको डेड पेडल भी ऑफर किए गए हैं। यहाँ जब आप नजर डालते हैं तो हेडलैम्प कंट्रोल के साथ साथ ट्रक्शन कंट्रोल, इंजन आइडल पोजीशन वाली बटन ऑफर की गई है जिसे हम फ्यूल सेविंग मोड कहते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग पर नजर डालते हैं तो डुअल टोन यूज किया गया है। यहाँ देखिएगा तो मैट जोन के साथ साथ सिल्वर में इसका भी यूज किया गया है। बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। 2 एयरबैग के साथ आती है, एक ड्राइवर साइड, एक आपको को ड्राइवर साइड एयरबैग मिल जाएगा। कोई भी कंट्रोल वगैरह नहीं दिया गया है स्टीयरिंग पे। यहाँ पे आपको हेडलैम्प कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे आपको वाइपर से कंट्रोल ऑफर किए गए हैं। और ये रहा इसका बेहतरीन सा छोटा सा इन्फॉर्मेटिव MID जिसमें आपको छोटी सी डिस्प्ले दी गई है। आप यहीं से गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, रेंज वगैरह, एवरेज वगैरह यहीं से चेक कर सकते हैं। स्पीडोमीटर दिया गया है और भी जो सारे साइंस होते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि इंजन इमोलाइजर, बैटरी का लेवल हो गया, लो फ्यूल वार्निंग, स्पीड अलर्ट वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, काफी कुछ इस MID में आपको साइन होता दिख जाएगा। डैशबोर्ड वगैरह गाड़ी में काफी बड़ा मिलता है। ऊपर देखेंगे तो टिकट होल्डर के साथ साथ यहाँ पे आपको वैटी मिरर ऑफर की गई है। हैलोजन लाइट के साथ साथ डे नाइट IRM मिल जाता है। और जब आप इसके सेंटर में डालते हैं तो आपको 4 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं। और ये रहा इसका मैनुअल ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं USB पोर्ट के साथ साथ और सभी ऑप्शन ऑफर किया गया है। बटन वगैरह भी दी गई हैं, आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। वॉल्यूम अप डाउन वगैरह करना तो आप यहीं से वॉल्यूम, सारी चीज़ों को अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो हजार लाइट ऑन करने के साथ साथ मैनुअल AC मिल जाते हैं जिसके कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। टेम्परेचर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मोड वगैरह, किस ब्लोर की आपको हवा चाहिए तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फैन स्पीड बढ़ाना हो तो आप यहीं से फैन स्पीड बढ़ा सकते हैं। रीसर्कुलेशन वाली बटन दी गई है कि बाहर की हवा चाहिए या अंदर की हवा चाहिए तो आप यहीं से वो चीज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट दी गई है। स्टोरेज दिया गया है, फोन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स ऑफर किया गया है। और इस वेरिएंट में आपको
ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आपको नॉर्मल सा एंड्रॉइड क्रोम इंस्टॉल के साथ स्टोरेज वगैरह दिया गया है, कोई भी एमरेस्ट वगैरह इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ देखेंगे एयरबैग की बैजिंग दी गई है, तो ये रहा इसका छोटा सा ग्लव बॉक्स। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS EBD दो एयरबैग के साथ साथ आपको स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फील वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, काफी कुछ सेफ्टी फीचर का अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। और ये है इस VXI मॉडल में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर कर दिया गया है। जिस हिसाब से देखेंगे 6.5 लाख रुपए इसकी ऑन रोड कीमत है, उस हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकती है, आप बेहचक इस गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। तो आइए अब हम आपको चेक करवा देते हैं इसका रियर सीट कंफर्ट, इसका रियर में कितना लेग रूम और कितना हेडरूम मिल जाता है। रियर में आप देखेंगे तो पूरा फुल तरीके से वही ब्लैक कलर का यूज किया गया है और कार्बन फाइबर वाली फिनिश दी गई है। मिरर अप डाउन कर सकते हैं, सिल्वर फिनिश के साथ डोर ओपनर, बोटर होल्डर, स्पीकर, सारी चीजें ऑफर की गई है। सीट पर जब आप नजर डालते हैं तो वही डुअल टोन यूज किया गया है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। कंफर्ट वगैरह कैसा है बता देते हैं हम आपको, नो डाउट काफी अच्छा कंफर्ट है, देख सकते हैं लेग रूम आपको काफी अच्छी खासी मिल जाती है, थाई सपोर्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है गाड़ी में आपको, और ऊपर आपको ग्रबेंडर्स ऑफर किए गए हैं और ऐसे कुछ ओवरऑल नज़र आती है रियर से फ्रंट प्रोफाइल की। आइए अब हम आपको चेक करवा देते हैं इसका बूट स्पेस, फिर आपको चेक करवा देते हैं इसका इंजन। 341 लीटर का काफी बड़ा सा बूट स्पेस मिल जाता है। VXI मॉडल में आपको पार्सल ट्रे भी ऑफर की गई है, पर यह है कि बूट लाइट वगैरह इस वेरिएंट में नहीं ऑफर किया गया है। 60 और 40 का सीट मिल जाता है और इसे आप फोल्ड कर सकते हैं, जैसा मान लीजिए दो बंदों की ट्रिप है तो इस सीट को ऐसे फोल्ड करके काफी अच्छा खासा बूट स्पेस आप पा सकते हैं, तो ये चीज काफी अच्छी ऑफर की गई है। तो आइए अब हम आपको चेक करवा देते हैं इसका इंजन। तो भाई दो इंजन ऑफर किया गया है, एक आपको 1.0 लीटर का इंजन मिल जाएगा जो कि CNG में आती है, अगर आप पेट्रोल की बात करते हैं तो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है। तो आइए भाई चेक करवा देते हैं कितनी पावर वगैरह देता है। तो ये रहा इसका BS6 फेज 2 इंजन, 5 BHP 89 Nm का टॉर्क निकालता है। माइलेज वगैरह की बात करेंगे तो इसमें आपको कंपनी 26 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है, अगर जो आप इसके CNG वेरिएंट में चले जाते हैं तो तकरीबन आपको 34 KMPL की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो ये रहा इस मारुति सुजुकी वैगनार का ओवरऑल एक्सटीरियर इंटीरियर ऑल डिटेल। ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर वास्तव इसका रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।